हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाई सिटी बुक्स। यूज कम्स एंड टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बुक लेकर आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन की। ये बुक इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके पीजीटी एग्जाम्स, जीआईसी, जीडीसी, आश्रम पद्धति, डायट प्रोफेसर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। परीक्षा ज्ञान कोर्स रहेगा, इसमें आपको सॉल्ट पेपर के साथ साथ प्रैक्टिस बुक भी मिलने वाली है लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ। और इसके अलावा और भी बुक्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट हैं राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल। इसके आपको परीक्षा ज्ञान कोर्स मिलेंगे। इसके अलावा जीव विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, इसके आपको अध्यायवार सॉल्ट पेपर्स मिलने वाले हैं पेपर वाइज। इसके अलावा आपको इतिहास, गणित, वाणिज्य, जूलॉजी, बॉटनी, आपको आर्ट, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सबके आपको चैप्टर वाइज सॉल्ट पेपर्स मिलने वाले हैं। वो सारी चीजें आपको जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक का जो बुक में नंबर ऑफ पेजेस संख्या 224 है और इस बुक की जो प्रिंट प्राइस है वो 170 रुपीज है। इसमें अभी आपको डिस्काउंट अवेलेबल मिलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग डिस्काउंट होते हैं। कुछ ऑनलाइन लिंक जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामो जो लिस्ट में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहां से आप इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसे हमारी वेबसाइट के साथ परचेज कर सकते हैं ycitybookshow.com। इसका एप्लीकेशन भी आ चुका है जो जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज के थ्रू। इसके अलावा हमारे पास एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ के लिए भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। एनटीए का जो कंपलसरी पेपर होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा सब्जेक्ट जो रहेंगे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, हिंदी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, इंग्लिश, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, लाइफ साइंस, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान एंड लॉ, इसके आपके एनटीए के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। सॉल्ट पेपर्स वो आपको मिलने वाले हैं जो आपके यूजीसी, नेट, जेआरएफ के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो पेपर्स इंक्लूडेड हैं 9 पेपर आपको पीजीटी के मिल जाएंगे। सन 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011, 2013, 2016 ये 9 पेपर्स आपको पीजीटी के मिलेंगे। इसके अलावा अदर जो एग्जाम्स हैं इसमें, जैसे कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 का एजुकेशन का हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी का हुआ था 2019 का, यूपीपीएससी जीआईसी 2012 का जिसका पेपर 2015 में हुआ था, यूपीपीएससी जीडीसी 2013 का जो 2014 में पेपर हुआ था, दो पेपर वो आपको मिल जाएंगे। डायट का आपको मिलने वाला है 2014 वाला पेपर, दो 2015 में हुआ था, मार्च 15 मार्च को। इसके अलावा जीडीसी के दो पेपर मिलेंगे 2012 वाले, और हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के दो पेपर मिलेंगे। एक पेपर इसमें छत्तीसगढ़ बीईओ का जोड़ दिया गया है, वो भी आप दे सकते हैं। सिलेबस जो रहने वाला है एजुकेशन का सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेनली 4 टॉपिक्स यहाँ पे रहने हैं, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा का दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन एवं सांख्यिकी, ये आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड 38 होता है इसका, वो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा। ये यहाँ पे डिटेल सिलेबस भी आपको टॉपिक वाइज दे दिया गया है, तो पार्ट 5 में बांटा गया है इसे, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपका अब पेपर सॉल्ट पेपर स्टार्ट होता है, तो एजुकेशन का 2016 का पेपर पीजीटी का वो स्टार्ट होता है। ये क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया, तो प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत के लिए, और कौन कौन सी घटना है, कब शुरू किया गया, तो भारत सरकार ने 1986 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। देश शिक्षा की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक सुधार लाने करने की आवश्यकता को महसूस किया गया, तथा यह संकल्प लिया गया कि प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम तैयार किया गया। इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करें, सुनिश्चित करना कि इसके अंतर्गत प्राथमिक स्कूल 2 बड़े कमरे, आवश्यक खिलौना व खेल सामग्री, श्यामपट, मानचित्र, चार्ट व अन्य अधिगम सामग्री की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। सन 1992 में किए गए संशोधन में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया। ये पहला क्वेश्चन था, डिटेल में उसके आंसर दे दिया गया है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अन्य 3 समूह से भिन्न है, तो शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्षेत्र सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो ये क्षेत्र सिद्धांत ये अलग है। सीखने के सिद्धांतों को 2 प्रमुख वर्गों, व्यवहारवादी सिद्धांत तथा संज्ञानात्मक सिद्धांत में बांटा गया है। थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पालाव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत तथा स्निकर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये सभी व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत है। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत और कोल्हर का अंत
शास्त्र दृष्टि अधिगम सिद्धांत तथा गेने का द्वारा प्रस्तुत अधिगम सोपानी की के ये सभी संज्ञानात्मक वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 6 अवस्थाएं होती है, 6 अवस्थाओं का नाम दिया गया है, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और उसके अलावा और जो क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पे एजुकेशन 2016 पे जीटी एजुकेशन 2016 का पेपर है, फिर यहाँ पे जीटी एजुकेशन 2013 के पेपर से यहाँ रहने वाले हैं, फिर यहाँ पे पीजीटी 2009 के सन 2000 तक के आपको पीजीटी मिलेंगे। उसके बाद आपको जो अलग अलग सब्जेक्ट हमने बताया वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ये सारे बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जीआईसी स्पेशल बुक्स आती हैं, तो पहला आपको परीक्षा रिफ्रेशर मिल जाएगा समर अध्ययन का, उसके अलावा सब्जेक्ट 47 पेपर्स मिल जाएंगे जीआईसी के, फिर हिंदी के 16 पेपर्स जिसमें आपको प्रैक्टिस एंड शॉर्ट पेपर दोनों रहने वाला है, 18 रहेंगे सॉरी, इतिहास के 17 है, नागरिक शास्त्र के 17 है, संस्कृत के 16 है, भूगोल के 13 पेपर्स हैं, इंग्लिश के आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और अर्थशास्त्र के आप शॉर्ट पेपर में प्रैक्टिस बुक मिलने वाले हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सारे पेपर यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। अब मैंने आपको पीजीटी का सारे दिखा दिए, एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ के आपको दिखा दिए हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास पीजीटी के पेपर्स अवेलेबल होते हैं वो सारे बुक्स आपको अवेलेबल दिखा दिए हैं। इस बुक की हमने कुछ डिटेल 2-3-4 क्वेश्चन का डिटेल आपको दिखा दिया है, अगर और भी आप देखना चाहते हैं बुक परचेज करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये हमारा जो बुक रिव्यू का सेशन है आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। साथ ही साथ किसी न्यू बुक का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लेंगे तो कोई भी न्यू बुक की रिव्यू आती है तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।